नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक टोगरा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पर। आज दिनांक 22 मई 2022 अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के उपलक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने गोंडवाना मैरीन फॉसिल पार्क मनेन्द्रगढ़ का वर्चुअल नींव रखी। वर्चुअल कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ माननीय मोहम्मद अकबर वन मंत्री, माननीय रविन्द्र चौबे कृषि मंत्री, माननीय रुद्र गुरु पीएचआई मंत्री, अपर मुख्य सचिव वन श्री राकेश चतुर्वेदी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री अरुण पांडे, सदस्य सचिव राज्य जैव विविधता बोर्ड श्री प्रेम कुमार सचिव वन शामिल रहे। क्षेत्रीय स्तर पर माननीय विधायक मनेन्द्रगढ़ डॉक्टर विनय जायसवाल, गोंडवाना समाज के सदस्य, वन विभाग के अधिकारी, कर्मचारी एवं संबोधन साहित्य के सदस्य गण उपस्थित रहे। माननीय विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल ने बताया कि हमारे घोषणा पत्र में के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज इसका शिलान्यास होने से नगरवासियों सहित क्षेत्र के गोंडवाना समाज में खुशी की लहर है। विश्व पटल में हमारे नगर मनेन्द्रगढ़ को एक अलग पहचान मिली है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री और माननीय वन मंत्री मोहम्मद अकबर का बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद करते हैं। गोंडवाना समाज के पदाधिकारियों ने भी माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और माननीय विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल का धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से श्री राजेश शर्मा अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस शहर, श्री राधे मिश्रा संयुक्त महामंत्री ब्लॉक कांग्रेस, श्री राजेश सिंह ब्लॉक उपाध्यक्ष, श्री केवल सिंह मरकाम जिला अध्यक्ष गोकपा, श्री वीरेंद्र श्रीवास्तव सोबंद साहित्य, श्री विनोद तिवारी पूर्व अध्यक्ष संबोधन साहित्य, मनोज विश्वकर्मा उप वन मंडल अधिकारी वन मंडल मनेन्द्रगढ़, श्री हीरा लाल सेन वन परिषद क्षेत्र अधिकारी मनेन्द्रगढ़ के साथ कांग्रेसी कार्यकर्ता एवं गोंडवाना समाज के कार्यकर्ता शामिल रहे। माननीय विधायक जी ने इस अवसर पर मनेन्द्रगढ़ वासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। छत्तीसगढ़ से सुरेश मनोचा की रिपोर्ट, प्राइम मिटी न्यूज। गांव में जाने से पहले हम लोगों ने मनेन्द्रगढ़ विधानसभा के लिए घोषणा पत्र बनाया था, लोकल घोषणा पत्र बनाया था, जिसमें लिखा था कि मनेन्द्रगढ़ चिमरी को जिला बनाने के साथ साथ उसमें बहुत सारे बिंदु थे। उसमें एक प्रमुख बिंदु यह था कि जो हमारा हसदेव नदी के किनारे में जो समुद्री जीवाश्म हमको मिले हुए हैं, इसको अच्छे से संरक्षित करके एक पार्क के रूप में इसको डेवलप करेंगे, जिससे मनेन्द्रगढ़ का नाम जो है ना केवल छत्तीसगढ़ के स्तर पर, देश के स्तर पर, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे मनेन्द्रगढ़ विधानसभा का नाम हो। आज माननीय मुख्यमंत्री, संवेदनशील मुख्यमंत्री जी ने आज इसका भूमि पूजन वर्चुअल रूप से करके और 1.25 करोड़ के लागत से लगभग इस पार्क का जो फुटपाथ फिनिशिंग और उसके बोर्ड और इसके लिए उन्होंने 1.25 करोड़ के लागत से ये काम आज उसका प्रारंभ हुआ है। आने वाले समय में निश्चित रूप से ये जो हमेशा उपेक्षित रहा, 1982 से ये इसका चिन्हांकन हो गया था कि हमारे पास इतने अमूल्य धरोहर प्रकृति की, बायोडाइवर्सिटी का एक जो सबसे प्रमुख चीज़ होता है, फॉसिल्स जो होता है वो हमारे मनेन्द्रगढ़ एरिया में है। लेकिन इसके पहले कभी किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। हमारी सरकार ने 3.5 साल के अंदर अंदर ये एक बड़ा काम जो है हमारे विधानसभा क्षेत्र को दिया है, एक सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। और इसके साथ साथ में हमारे जो ये यहाँ जो हमारा क्षेत्र है, जो मनेन्द्रगढ़ विधानसभा का क्षेत्र है, या कोरिया की बात करें, एक गोंडवाना का एक बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। तो इसमें हमारे जितने भी लोगों ने निवेदन किया था, मैरीन फॉसिल पार्क मनेन्द्रगढ़ के जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका वर्चुअल उद्घाटन किए, उसके लिए गोंडवाना समाज बहुत बहुत आभारी है और धन्यवाद देती है। ये हमारी जो मांगे था, लगातार 2011-12 से इसका मांग को लेकर के आंदोलन के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से समय समय पर आवाज़ उठाती रही है। क्योंकि कम समय में छत्तीसगढ़ राज्य के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको बहुत ही कम समय में हमारी मांगे को पूरी करके इस समाज को बहुत ही गौरवान्वित। मुख्यमंत्री जी माननीय भूपेश बघेल जी ने मनेन्द्रगढ़ क्षेत्र को एक बहुत बड़ी सौगात मिली है कि आज उन्होंने वर्चुअल उद्घाटन किया। ये विश्व के पर्यटन पटल में
मनेनगढ़ का एक नाम होगा, मनेनगढ़ को एक अच्छी पहचान मिलेगी। ब्लॉक कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री जी को, माननीय विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत आभार, जो एक मनेनगढ़ की पहचान आज फिर स्थापित है।